भिलाई में राष्ट्रीय राजमार्ग के किनारे काबिज महालक्ष्मी क्रेन कंपनी सहित चार अन्य कंपनी को पिछले महीने सील कर दिया गया था, लेकिन सील के बाद फिर से ताला तोड़ दिया गया, जिसको लेकर शाम बीएसपी के प्रवर्तन विभाग के अधिकारी पुलिस के अधिकारी मौके पर पहुंचे। कब्जाधारियों को ताला तोड़ने को लेकर फटकार लगाई, लेकिन कब्जाधारियों का कहना है कि सील ताला किसी और ने तोड़ा था, जिसके संबंध में थाने में शिकायत दर्ज कराई गई है। आपको बता दें कि बीएसपी इन्फॉर्मेंट डिपार्टमेंट के प्रमुख के यादव को जैसे इस बात की सूचना प्राप्त हुई, अधिकारियों के साथ नेशनल हाईवे पर स्थित महालक्ष्मी ट्रेडर्स पहुंचे। वाकई में एक महीने पहले सील किया गया और उसका ताला टूटा पड़ा मिला, जिसके संबंध में उन्होंने कुर्शीपार थाने में शिकायत दर्ज कराई है। महालक्ष्मी ट्रेडर्स और चंद्रा हैवी लिफ्टर्स की सील तोड़े जाने की शिकायत पर इधर पुलिस ने भी अब जांच शुरू कर दी है। दरअसल पिछले दिनों संपदा न्यायालय के आदेश पर बीएसपी ने बड़ी कार्रवाई की थी। बीएसपी के एनफोर्समेंट डिपार्टमेंट की टीम ने बंसल ब्रदर्स, बंसल कॉमर्शियल कंपनी, दुर्गा धर्मकांटा, करुणा बंसल, लक्ष्मी चंद अग्रवाल का अग्रवाल एंटरप्राइजेस सील किया गया था। बीएसपी का इन कंपनियों पर 72 करोड़ रुपए बकाया था। यही नहीं, लक्ष्मी अग्रवाल ने कब्जे की जमीन पर आवास भी बना लिया था, जिसे दूसरे दिन बीएसपी की टीम ने सील किया था। कब्जाधारियों को उच्च न्यायालय से स्थगन आदेश भी मिल चुका है, लेकिन उसके बाद अब सील किया ताला टूटने के कारण ये पूरा प्रकरण एक बार फिर से सुर्खियों में है। के आदेश पर प्रवर्तन विभाग नगर सेवा भिलाई इस्पात संयंत्र द्वारा पारित डिक्री के आधार पर 17-8-2022 को महालक्ष्मी ट्रेडर्स से चंद्रा हैवी लिफ्टर्स को सील किया गया था कार्यपालक मजिस्ट्रेट पुलिस बल के सामने में। हमने अपनी कंपनी का कोई ताला नहीं तोड़ा है। जो भी बीएसपी वाले हमारे पर ये लांछन लगा रहे हैं, ये गलत है। हमने ये सब गलत है। हमारा आदमी आज विश्वकर्मा पूजा है, सेक्टर 11 में रहता है, जो मेरे घर पे आ रहा था शास्त्री नगर में, उसने देखा कि यहाँ पे कंपनी का ताला टूटा पाया गया है, उसने आके मेरे को बोला। फिर हमने कुर्सीपार थाने में आवेदन दिया है कि हमारे कंपनी का ताला टूटा हुआ है, आगे की जो कार्रवाई है पुलिस प्रशासन की है।